हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? गाइस जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं कि लड़के क्या लड़कियों का इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटीमेट वॉश का यूज करना चाहिए लड़कों को। बिकॉज यू नो बहुत क्वेरीज आता है कि भैया हमने इंटरनेट में पढ़ा है कि इंटीमेट वॉश मिथ है, इंटीमेट वॉश नहीं यूज करना चाहिए, सोप ही वो काम कर जाता है, तो फालतू में एक खर्च क्यों करें इंटीमेट वॉश पे। लड़कियों का इंटीमेट वॉश लड़कों को यूज करना चाहिए, या फिर लड़कों का इंटीमेट वॉश लड़कियों का यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। और मैं रिव्यू करूंगा आपके सामने स्विश का ये इंटीमेट वॉश फॉर मेन और ये इंटीमेट वॉश फॉर वुमेन। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स लड़के लगा सकते हैं, या फिर क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स लड़कियां लगा सकती हैं, ये वाला लड़की और ये वाला लड़का लगा सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है और आपके जितने भी क्वेरीज है ना इस टॉपिक को लेके वो सॉल्व हो जाने वाली है। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटीमेट वॉश क्या होता है। गाइस इंटीमेट वॉश वो लिक्विड होता है जिससे आपको रोज इस्तेमाल करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स से डर्ट, इंप्यूरिटी, स्वेट को निकालने के लिए। प्राइवेट पार्ट्स में आप कहां यूज कर सकते हैं इंटीमेट वॉशेस? गाइस आप पिनाइल रीजन पे यूज कर सकते हैं, पूरे पिनाइल रीजन पे यूज कर सकते हैं, आप ग्रॉइन एरिया पे यूज कर सकते हैं, आप बॉल्स के एरिया पे, आप बट के एरिया पे यूज कर सकते हैं, और लड़कियां वजाइनल एरिया पे यूज कर सकती हैं एक इंटीमेट वॉश एवरी डे। इससे क्या होता है, आपका डर्ट जाता है, आपके गंदी बदबू जो आती है इंटीमेट पार्ट से वो खत्म हो जाता है, और आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है उस एरिया का, ताकि नए बैक्टीरिया, नए गंदगी, नए बदबू नहीं आए उस जगह से। यही आंसर करता है मेरा क्वेश्चन कि जब आप सोप इस्तेमाल करते हैं या फिर एक बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी को साफ करने के लिए, और वो बॉडी वॉश जब आप अपने इंटीमेट एरिया पे लगाते हैं, धोते हैं उस एरिया को, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका जो पीएच बैलेंस है उस इंटीमेट एरिया का वो बिगड़ जाता है। याद रखिए आपका जो स्किन है ना उसका एक पीएच लेवल है, वो पीएच लेवल अगर हार्श कंपोनेंट्स आपके उस जगह पे पड़ते हैं तो रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सेसिव ऑयल खींच लेता है वो सोप। इसीलिए आपको कभी भी इंटीमेट एरिया पे सोप बॉडी वॉश नहीं यूज करना चाहिए। इंटीमेट वॉशेस का पीएच बैलेंस बहुत कम होता है, इसीलिए जब आप एक इंटीमेट वॉश यूज करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट पे तो उसका पीएच लेवल बिल्कुल नहीं बिगड़ता है, और बहुत माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसी वजह से आपका जो इंटीमेट पार्ट है वो इंटीमेट वॉश से ही अच्छे से साफ होता है। तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपको इंटीमेट वॉश तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। आप लड़कों को लगता है ना कि आपने सेक्स किया कोई इंफेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज आपने अपने पिनाइल रीजन को धो लिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गंदगी, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर आपने इंटीमेट वॉशेस से नहीं धोया उस रीजन को। तो गाइज इंटीमेट एरिया को साफ रखने के लिए इंटीमेट वॉश यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लड़के हो। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या लड़के लड़कियों का इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि गर्लफ्रेंड का इंटीमेट वॉश बाथरूम में पड़ा हुआ है हमने लगा लिया, या फिर वाइफ का इंटीमेट वॉश बाथरूम में पड़ा हुआ है हमने लगा लिया, ये सोच के कि यार अलग से इंटीमेट वॉश कर लेना, लड़कियों को तो है ही वही जगह साफ तो करना है, इंटीमेट एरिया साफ कर लेते हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीमेट पार्ट ऑफ गर्ल्स का जो पीएच बैलेंस होता है वो लड़कों से अलग होता है। लड़कों का जो प्राइवेट पार्ट है वो मोर प्रोन टू बैक्टीरिया हो जाता है बिकॉज स्वेट, गंदगी, बदबू उसमें ज्यादा एक्यूमुलेट होती है। इसीलिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है जो लड़कों के लिए बना हो। तो इसीलिए आप कभी भी लड़कियों का इंटीमेट वॉश मत यूज कीजिएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उससे आपका जो बैक्टीरियल लेवल है वो बहुत कम जाएगा, बिकॉज वो बहुत माइल्ड होता है लड़कियों वाला, और लड़कों वाले में इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। और मैं ये प्रूफ कर रहा हूं इससे कि देखिए ये स्विश का इंटीमेट वॉश है, स्विश का ये मेन इंटीमेट वॉश है और ये फीमेल इंटीमेट वॉश है। गाइज इन दोनों का अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स सेम है, लेकिन इसमें आपको जो होहोबा ऑयल मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है, इसमें आपको हेजल मिलता है जो इसमें नहीं मिलता है, और इसमें आपको सिर्फ एलोवेरा मिलता है, और इसमें आपको टी ट्री ऑयल मिलता है। बट यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स अलग है। हेजल में बहुत शक्ति होती है, बहुत तेजी से गंदगी को निकालने की। लड़के अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपका बैक्टीरिया उस जगह से
चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक लड़कियों वाला इंटीमेट वॉश यूज करेंगे तो आपका थोड़ा कम लेवल में बैक्टीरिया जाएगा, तो जो 100% इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज लड़कों वाला ही इंटीमेट वॉश यूज करिए अगर आप लड़के हैं। अगर आप लड़की हैं तो प्लीज लड़की वाला ही यूज करिए, बिकॉज आपने अगर फिर लड़कों वाला यूज कर लिया तो वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है आपके स्किन में। तो इसीलिए आपको हमेशा एक लड़कियों वाला इंटीमेट वॉश ही यूज करना है। गाइस ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने यूज करके देखे हैं स्विश का, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं ये वाला या फिर कोई भी और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। स्विश का ये जो दोनों इंटीमेट वॉशेज हैं ये काफी अच्छा लगा मुझे, पैराबेन सल्फेट नहीं है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको भी एक बार दिखाया जाए ये प्रोडक्ट, बिकॉज स्विच इज अ वेरी वेल नोन कंपनी नाउ। इनका एक हेयर रिमूवल स्प्रे आता है जो मैंने ट्राई आउट किया है और अच्छे खासे व्यूज भी आए हैं उसे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करके देखते हैं स्विश का कैसे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ये प्राइस थोड़ा सा मुझे अभी भी ज़्यादा लगता है, कुछ 599 का ये है, अमेज़न पे कुछ डिस्काउंट है, लेकिन फिर भी 400 के आसपास आपको पड़ेगा, तो थोड़ा मुझे प्राइस में प्रॉब्लम लगता है कि हाई प्राइस है, लेकिन येस द इंग्रीडियंट यूज आर वेरी वेरी माइल्ड, तो माइल्ड होने के वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो माइल्ड इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन स्विश भी एक अच्छा कंपनी है। गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और भी मैं कुछ और इंटीमेट वॉशेस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर कुछ क्वेरी है मन में तो प्लीज मुझसे पूछना मत भूलिएगा। प्लीज़ नोट एक चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ सोल्यूशन, रिजल्ट, फीडबैक, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से होता है या फिर रिसर्च जो मैंने की होती है उससे होता है। आपका रिजल्ट या आपका फीडबैक अलग भी हो सकता है, तो अगर आप कुछ और पढ़ते हैं कहीं पे और कुछ आपके नज़र में आता है तो प्लीज़ मेरे साथ उसका लिंक शेयर करिए, मैं भी उसको स्टडी करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ जो आपने बोला था वो कहाँ तक सच निकला और मेरे हिसाब से क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये बोलना कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को गाइस, जो लोग नए देख रहे हैं और पुराने सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आप सबसे ऐसे ही एक दमदार प्रोडक्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। चलो टाटा।